विधानसभा चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन अयोध्या में सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 53 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। कई प्रत्याशियों ने दोबारा नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम रहे। नामांकन के अंतिम दिन समय समाप्त होने के 5 मिनट पहले 11 प्रत्याशी नामांकन करने के लिए नामांकन स्थल पर पहुंच गए। समय के दौरान आने वाले प्रत्याशियों का नामांकन कराने में कई घंटे लग गए। इसके चलते अंतिम देर शाम तक नामांकन प्रक्रिया चलती रही। विजय भाई कितने दिन बना लो? आम आदमी पार्टी से 273 मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी हूँ। जिस तरह से दिल्ली में माननीय केजरीवाल सरकार ने काम करके दिखाया है, मुझे अवसर मिल रहा है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में, उसी स्तर से मैं भी कार्य करके दिखाऊंगा। क्योंकि लोग घोषणा करते हैं, हमें गारंटी। प्रदेश में जो हालात है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, आतताई सरकार ने पूरी तरीके से गुंडों को और माफियाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, जिस तरीके से जेल से लेकर के और बाहर लोगों की सुरक्षा नहीं रह गई, ना जेल के अंदर सुरक्षित हैं लोग, ना बाहर सुरक्षित हैं, ना सड़कों पर सुरक्षित हैं, ऐसी सरकार को बेदखल करने के लिए पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और हमारी जो है शिक्षा, रोजगार और उसमें चिकित्सा और क्षेत्र का विकास और जो बेरोजगारी है, इसको लेकर के जो है हमारी पार्टी जो है का मुद्दा है। दूसरी चीज़ हम लोग जो है, जो हमारी पार्टी का मेन मुद्दा है कि उसका सीधा है। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ, मेरा कोई प्रत्याशी वहाँ नहीं है। और रहा सवाल चुनाव लड़ने का, तो रुदौली विधानसभा क्षेत्र का एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान, एक एक माता और बहन और एक एक भाई हमारा खुद लड़ेगा चुनाव। एक सेट में हमने नामांकन दाखिल किया और हमारी पार्टी 136 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या पार्टी में किस मुद्दा? 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता महिलाओं को और 1 5000 रुपया